चलो आ जाओ, बैठ जाओ, तुम भी खा लो थोड़ा सा। नहीं खालिद, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कुछ भी खाने को। मेरा तो सारा ध्यान मारिया की तरफ लगा हुआ है, पता नहीं कैसी होगी। और हमीदा भी फोन नहीं उठा रही है। पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। आप मेरी बात पे क्यों यकीन करते हैं खालिद? मैं सच कह रही हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारा वहम भी तो हो सकता। फवाद, फवाद। अम्मा जल्दी बताए क्या बात है। जो मैंने बात करनी है ना, वो इससे भी ज्यादा जरूरी है। बताइए क्या बात है। पता नहीं तुम्हें इस बात का एहसास है कि नहीं है, मगर ये घर आसेब ज्यादा है बेटा। क्या बातें कर रही हैं अम्मा। बेटा इस घर में जिन भूत हैं। तुम्हें पता है ना आज मारिया के साथ क्या हुआ है? मारिया के साथ जो भी हुआ है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है सुनने में। प्लीज मुझे देर हो रही है, मैं जाऊं। क्या हो गया फवाद? वो तुम्हारी कजन है, तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? अम्मा वो बचपन से ड्रामेबाज है, मैं जानता हूँ उस लड़की को, आप नहीं जानती, तो प्लीज छोड़ दें उसे उसके हाल पे। फवाद मैंने अपनी आंखों से देखा है, उस बेचारी को कुर्सी पे बिठा के उन्होंने रस्सियों से बांधा हुआ था, उसके पूरे जिस्म पे नील थे। तो मैं क्या करूं? बस तुम अपना सामान पैक कर लो, अब हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। अब्बा ये कहाँ जा रहे हैं? जहां भी जाएं, तुम अपना सामान पैक कर लो। बिल्कुल जाइए आप, लेकिन मैं यहाँ बिल्कुल खुश हूँ, मुतमईन हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। खालिद आप इसको समझाते क्यों नहीं है? आप चुप क्यों बैठे हैं? क्या समझाऊं, अब ये बालिग है, अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने जानता है, कर सकता है, इसमें इतनी अहलियत है, मैं क्या समझाऊं इसे? मैं ये सब कुछ देखने के बाद इसको इस घर में अकेला नहीं छोड़ के जा सकती, ये हमारे साथ ही जाएगा। इसे बोलेंगे ये पैकिंग करे। एक सेकंड, आप दोनों ने जहां जाना है आप लोग जाइए, मैं नहीं रोक रहा, लेकिन मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। फवाद तुम्हें हमारे साथ जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगी। फवाद खालिद आप इसको समझा क्यों नहीं रहे, बुला क्यों नहीं रहे आप? क्या कहूं उससे, क्या समझाऊं उसे? ये कहूं कि मारिया के साथ जो कुछ हुआ है किसी जिन भूत ने किया है। उसे ये कहूं कि यहां पे भूत रहते हैं जो मैंने नहीं देखे। उससे ये कहूं कि यहां पर कोई आसेब है जिसका कोई इशारा कम से कम मुझे नहीं मिला। कमाल है यार। दुआ करो कि मैं मर जाऊं दिल नवाज, क्योंकि ये बेड़ियां तो तभी उतरेंगी जब मैं मर जाऊंगी। हजरत बीबी अल्लाह ना करे, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि आपको कुछ हो, लेकिन आपको खुदा का वास्ता है, मुझे आजाद कर दे, जंजीरें खोल दे साहिब, बहुत परेशान हो गए, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। इसी लैला मजनू की कहानी को खत्म करने के लिए तो बेड़ियां डाली हैं। कितना समझाया था कि शादी असल नहीं है, ड्रामा है। तुमने क्या किया? जिन्नज़ादी होकर तुमने इंसानों वाली हिमाकत की ना। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं सारी जिंदगी आपकी कनीज बनकर रहूंगी। मुझे हजरत सुलेमान की कसम है, लेकिन एक बार आजाद कर दे, खुशी मिल जाएगी। वो तो तुम रहोगी, जहानारा राजी हो गई है, मेरे बाद वो तुम्हें काबू करने के वजीफे करेगी। तुमने जिंदगी भर मेरे खानदान की गुलामी करनी है। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने। साहेब होंगे? हाँ हजरत बीबी, मुझे छोड़ दे, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, एक बार देखना चाहती हूँ। मैं सर से बंदी भी हूँ, वो बहुत परेशान होंगे, मुझे छोड़ दे, मैं उन्हें बगैर बताए आई हूँ। जहानारा, जहानारा जाओ देखो दरवाजे पे कौन है, अगर वही मजनू है तो मत खोलना दरवाजा।